तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है 1:54 पे, और वो भी सीधा अपनी गाड़ी के अंदर से। तो अभी अपन निकल रहे हैं बांसवाड़ा, और व्लॉग की शुरुआत करते हैं गणपति पप्पा मौर्या, और साथ ही अपने व्लॉग का प्यारा सा इंट्रो। तो गुड आफ्टरनून, हेलो, नमस्ते, दिस इज योर विकास कलाल, वेलकम बैक यूर यूट्यूब चैनल विकास की एंट्री एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, मेरी तरह एकदम फिट एंड फाइन। तो फिलहाल अभी सिटी के अंदर जाएंगे, सबसे पहले अपने छोटे मोटे जो काम है वो निपटा लेंगे, उसके बाद क्या है अपनी गाड़ी के अंदर शो हो रहा है ऑयल इंडिकेटर, तो उसे भी चेकअप करवा लेते हैं, शायद ऑयल टॉपअप करवाना पड़ सकता है, तो वो भी जाके अभी करवाना है। आज अपने व्लॉग में पहला कमेंट आया था वो था वीरेंद्र गारी, सेकंड कमेंट आया था वो था नितेश दवे, और तीसरा कमेंट जो आया था वो था प्रफुल्ल कलाल। तो तीन कमेंट थे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, नेक्स्ट टाइम भी अपन ऐसे बता दिया करेंगे। यार ये पूरी गाड़ी देख रहे हो, पूरी टेढ़ी हो चुकी है, देखो एक तरफ पूरी झुक रही है, ये देखो पूरी झुक गई है एक तरफ, खतरनाक हो सकता है ऐसा। खैर एनीवेज, अपन बात कर रहे थे कमेंट्स की, तो अब कमेंट की बात कर रहा हूँ तो ये बता रहा हूँ कि अब अपने ब्लॉग में जो भी कमेंट आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड कमेंट का अपन नाम बोल दिया करेंगे, और बेस्ट कमेंट होगा तो स्क्रीनशॉट भी अपन डाल दिया करेंगे। तो ये आज से हर ब्लॉग में ये बात लागू होगी, और ये जरूरी नहीं है कि वो स्क्रीनशॉट में एंड में ही डालूं या नाम एंड में ही बोलूं, मैं व्लॉग के कहीं भी किसी भी हिस्से में किसी भी टाइम बोल सकता हूं। जैसे 1 से 15 मिनट का व्लॉग होता है, या तो मैं 5 मिनट पे भी बोल सकता हूं, 10 मिनट पे भी बोल सकता हूं, वो नाम वगैरह रिवील कर सकता हूं, या फिर व्लॉग के एंड में या शुरुआत में ही अपन रिवील कर दे। हालांकि शुरुआत में नहीं करेंगे अपन, बीच में ही करेंगे कहीं भी, ताकि क्या हो थोड़ा सस्पेंस भी बना रहे, कहाँ पे आएगा कहाँ पे आएगा, बंदा व्लॉग तो पूरा देखे कम से कम, नहीं तो क्या होगा लास्ट वाला भाग देखा और पूरा व्लॉग काट दिया, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए अपन नाम वगैरह कहीं भी ले लेंगे, कहीं भी बोल देंगे, कहीं भी स्क्रीनशॉट डाल देंगे। जाएंगे वेलफेयर टायर्स एंड वेलफेयर मोटर्स, यहाँ पे जाके चेकआउट कराएंगे अपन अपनी गाड़ी का। फिलहाल पहुंच चुके हैं अपन सिटी के अंदर, और धूप देख रहे हो, बहुत तेज धूप है, बहुत तेज। अभी गाड़ी के अंदर तो एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलूंगा तो खतरनाक धूप है भाई साहब। अभी क्या हुआ है, हमारे कुछ भाई लोग हैं, जैसे अपना भाई दीपक, प्रीतेश और यश, यश के थोड़ा कम बट प्रीतेश और दीपक के बहुत ज़्यादा, अभी जोश चढ़ा है कि वो भी व्लॉगिंग करना चाहते हैं। अब प्रीतेश को ये समझ नहीं आ रहा है कि शुरू करूँ तो कहाँ से करूँ। वास्तव में क्या, अपन जब व्लॉग बनाते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं, वो शुरुआत करने का समय होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। हालांकि मेरा ऐसा नहीं था, मेरे तो बिल्कुल मेरे को इजी लगा था यार, मैंने एक ही झटके में एक ही दिन में व्लॉग बना लिया था, पता भी नहीं चला था। आप चाहो तो मेरा फर्स्ट व्लॉग देख सकते हो, मैं उसका लिंक अभी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट करना। हाँ हो सकता हंसी भी आएगी, मेरे को खुद को आइडिया नहीं था कि मैं चैनल का नाम क्या रखूँ, व्लॉग कैसे बनाऊँ, बस बनाता गया और बनता गया, और इतना लंबा व्लॉग बन गया मेरे को पता ही नहीं चला, मतलब मैं रिकॉर्ड करता गया। आप मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, तो मैंने कैसे शुरुआत की थी, तो आपको आइडिया हो जाएगा अगर आप भी ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो। मैंने अपना जो पहला ब्लॉग शुरुआत की थी वो किया था, कैमरा था GoPro Hero 7 से, उसके बाद लगभग ब्लॉग मैंने मोबाइल से ही बनाए, मतलब 100 से ऊपर ब्लॉग मैं मोबाइल से बना चुका हूँ। और जिस मोबाइल से मैंने ब्लॉग की शुरुआत की थी वो था S20 Ultra, और इसके बाद अभी जिससे मैं शूट कर रहा हूँ ये जो आपके सामने है S23 Ultra। तो
मोबाइल से ही व्लॉग अब शूट करता हूँ, वो इजी टू यूज होता है। फिलहाल अपन पहुंच चुके अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे, अच्छी देर में आपसे वापस मिलता हूँ, थोड़ा चेकआउट कर लेता हूँ, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। चलिए जी, यहाँ पे चेकआउट हो चुका है, अभी जाएंगे अपन अपनी बहन सोनू के वहाँ, मतलब अपने भांजी के वहाँ, अपने चुट्टू के वहाँ पे। निखिल भी वहीं होगा, आज निखिल की भी साइट चालू हो चुकी है, सुबह ही चालू की अपन ने, उसी वजह से तो अपना व्लॉग है वो दोपहर को चालू हुआ आज, क्योंकि सुबह था ढेर सारा काम। कभी कभी क्या होता है, काम ही इतना सारा होता है कि व्लॉग के जो पार्ट है ना टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो उसी वजह से अपन व्लॉग फिर शूट ही नहीं करते। तो फिलहाल पहुंच चुके अपन चुट्टू के वहां पे, गाड़ी पार्किंग करेंगे अपने धूप में। अरे यार, गाड़ी घुमा के पार्क करनी पड़ेगी, सही जगह पे पार्क करनी पड़ेगी। ओह शिट शिट शिट, ओके यहाँ ठीक है। हाँ जी, कैसे हो, क्या हालचाल, और निखिल कैसा है, क्या कर रहा, ककड़ी खा रहा है यार, मजे मार रहा है, व्लॉग परमानेंट चालू रहता है, व्लॉग परमानेंट चालू रहता है। तो अपने निखिल ने अपने लिए खीरा काट दिए, कितना समझदार है। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, इसको खाना खाते हुए देखता हूँ, बहुत खराब कर, सच में मतलब आता हूँ तो अंदर बैठता है तो भी चालू ही रहता है, और आज अचानक ब्लॉग चालू था ना, मैं आया खाना खाते हुए ही मिला, और मुझे कहता है मैं डाइटिंग पे हूँ। तो फिलहाल ककड़ी ब्रेक समाप्त हो चुका है, और यहाँ पे हमारा निखिल खा रहा अभी फलाहार, मतलब बस यही काम है और कुछ नहीं। चालू कर भाई। निखिल चालू कर। तो चलिए जी, अब यहाँ से निकलते हैं, खाना वाना हमारा सब समाप्त हो चुका है, ठीक है निखिल, चले बात ठीक है, अभी शाम का खाना बाकी और वो तैयार हो रहा है। चलो चलते हैं यार, 2 घंटे के आसपास यहाँ पे समय अपना निकल चुका, कैसे निकला पता ही नहीं चला। फिलहाल अपन निकल चुके हैं खांडू कॉलोनी से अपने घर की तरफ, और अभी मौसम का हाल देख रहे हो, एकदम औसम, हवाएं तेज चल रही है, धूप जो थी वो कम हो चुकी है, अब बस उम्मीद यही है कि कहीं बारिश न हो जाए, क्योंकि अभी अपने चल रहा आउटर वॉल का काम खांडू कॉलोनी, तो प्लास्टर वगैरह किया है सारा धुल जाएगा और नुकसान हो जाएगा, ऐसा लग तो नहीं रहा है हो जाएगी बारिश, पर हो भी सकती है। अभी क्या हुआ है कि एक न्यूज निकल के आ रही है, रॉयल इनफील्ड की हिमालयन जो कि नई 450 सीरीज 1 नवंबर को लॉन्च होने जा रही है, जिसके बहुत सारे ट्रीजर भी आ रहे हैं और देखने में भी अच्छी है, डिजिटल मीटर वगैरह, मतलब बहुत कुछ चीजें इसमें फर्स्ट बार आ रही है रॉयल इनफील्ड सीरीज में, लिक्विड कूल्ड इंजिन आ रहा है, डिजिटल मीटर आ रहा है, एचडी फॉक्स सस्पेंशन आ रहे है, तो बहुत कुछ ऐसा है नया आ रहा है इसमें रॉयल इनफील्ड सीरीज में, ये सब कुछ पहली बार होने वाला है, और मेरा मानस भी है कि 1 नवंबर को जैसे ही वो आती है तो अपन उसे स्पेशली बुक करवा देंगे। तो हमारा वर्कशॉप भी आ गया है, अभी यहाँ पे ऑयल टॉपअप करवाना है, ऑयल चेकअप करवा लेते हैं। तो चलिए जी, ऑयल डल चुका है गाड़ी में, टॉप अप करवाया बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह की सर्विस ही हो गई कुल मिला के, क्योंकि ऑयल फिल्टर भी चेंज किया और एयर फिल्टर भी पूरा चौक था, तो वो भी चेंज करवा ही लिया अपन ने। अब 1500 किलोमीटर और चलाएंगे, उसके बाद फिर चेक करवाएंगे इसको, ऑयल कम पड़ा तो पड़ा कैसे वो पता चलेगा 1500 किलोमीटर चलाने के बाद। और हाँ, अभी टाइम क्या हो रहा है देखो, 5:39, और देख रहे हो ऐसा लग रहा है मान लो 7 बज गए हो, बिल्कुल अंधेरा हो गया है,
मतलब बारिश हो सकती है कभी भी, बादल चारों तरफ छा गए हैं, शक तो था मुझे। तो भाई साहब यहाँ लग चुका है जाम और बारिश भी चालू हो गई है, हल्की हल्की बूंदा बूंदी। लो जी मौका मिला, मौके पे चौका मारा, अपन ने गाड़ी निकाल ली भाई। अभी मौसम थोड़ा खुल चुका है, हवाएं चल चुकी है इसलिए, और यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बारिश की वजह से एकदम ग्लास नीट एंड क्लीन हो चुका है। देख रहे हो विजिबिलिटी कितनी शानदार नजर आ रही। अभी बिल्कुल पानी नहीं गिर रहा है, लेकिन अभी चालू हो जाएगा पानी, अभी चालू हो जाएगा फुल बारिश। ये लो ये लो ये लो, यहाँ आते ही फुल बारिश, गजब। वाइपर फुल स्पीड में चालू, अरे वाह, यहाँ पे इतनी तेज बारिश है कुछ दिख ही नहीं रहा है, गजब गजब। कहीं आ रही है कहीं जा रही है। जी बारिश फुल चालू और अपन पहुंच चुके हैं अपने विलेज, अपने गांव। तो फाइनली जी पहुंच चुके हैं अपन अपने घर पे। तो मौसम देख रहे हो, टाइगर अपनी खड़ी है यहाँ पे और मौसम हो रखा है शानदार वाला, क्या ही ग्रीनरी है, क्या ही नज़ारे हैं। और इस प्यारे मौसम में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या ही कहे। तो चलिए गर्मा गर्म टी अभी पीते हैं। तो लो जी हमारी गर्मा गर्म चाय आ चुकी है। तो क्या है यहाँ पे तो कोई चीयर्स करने वाला है नहीं, तो आप लोगों से चीयर्स कर लेता हूँ। चीयर्स। वैसे भी आज क्या है 3 बजे की टी अपन ने पी ही नहीं थी, क्योंकि टाइम वहीं पे बहुत ज्यादा हो गया था, इसी वजह से तो इसकी सख्त जरूरत थी। तो चलिए जी टी ब्रेक हमारा समाप्त हो चुका है, अभी जा रहे हैं अपन विजय की शॉप पे बस स्टैंड, थोड़ा कलेक्शन वगैरह भी करना है और दूसरे भी काम है। आप देख रहे हो बिल्कुल अंधेरा हो गया, सनसेट पूरी तरह से हो चुका है। गाड़ी लेके ही जाएंगे, इसकी तो चाबी खो गई है, मिल नहीं रही, नहीं तो यही लेके जाता। ऐसे भी क्या है बारिश हो रही है तो टाइगर को ले जाना ही सही रहेगा, अभी हल्की हल्की बूंदा बूंदी वापस चालू हो चुकी है। तो चलिए जी पहुंच गए बस स्टैंड। बस स्टैंड मतलब अपने भाई की शॉप पे। विजय हाय। तो अभी प्रीतेश विदेश सब आएंगे, यहाँ बैठेंगे, रोज का यही है, शाम का माहौल यही है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अभी नाम लिया ही है कि भाई प्रीतेश अभी आने वाला है, इतने में तो तू आ गया। ये चड्डी कहाँ से आया? अच्छी ना यार, कसम से इस चड्डी और टी शर्ट में तू हॉट लग रहा है, कसम से यार। ना यार जज रहा, कसम से जज रहा, मतलब यार याद ही कर रहे थे और ब्लॉग में जैसे ही नाम लिया तुरंत आ गई। भाभी का तो नहीं है भाई। ना इसका ही। A few moments later. तो हाँ जी लड़के लड़कियों अपन आ चुके हैं अभी घर पे और व्लॉग एंड करने का टाइम हो चुका है। प्रीतेश वगैरह सब बैठ के आराम से बहुत सारे गपशप मारे, उसके बाद वो भी घर पे चला गया, अपन भी अपने घर पे आ गए और अपने साथ आ चुका है अपना गोटी भाई। गोटी भाई क्या है, हर शनिवार को अपने घर पे आ जाता है क्योंकि रविवार को रहती छुट्टी, तो आराम से अपने वहाँ रहेगा और गपशप मारेगा और मस्ती करेगा।
तो चलिए इस प्यारे से ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो दोस्तों में, शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम एंड बॉम्ब।